आज मैं आपसे ऐसी औरत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो इतना दर्द सह सकता है आप तो दूर की बात कोई भी नहीं सह सकता। वो पूरी दुनिया के सामने आया और कहा कि मैं तुम्हें 6 घंटे देता हूँ, जो तुम मेरे साथ करना चाहते हो कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। और उस लड़की के नाम मेरीना अब्रामोविक है। ब्राइट बिग्स हिंदी चैनल का इस एपिसोड में आज हम बताएंगे उस औरत के बारे में, मेरीना अब्रामोविक के बारे में, जिसे सुन के आप हैरान रह जाएंगे और आप इंसान होने के नाते शर्म महसूस करेंगे। मेरीना का जन्म 30 नवंबर 1946 को हुआ था। एक बच्चे के रूप में उनका माँ के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं था, क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत बुरी तरीके से पीटती थी, जिसके कारण मेरीना का मस्तिष्क पर बुरा और गहरा असर पड़ा, क्योंकि उन्हें अत्यधिक मानसिक यातना झेलनी पड़ी और इसलिए उनका जन्म एक कला या कलाकार के रूप में हुआ। क्योंकि जब लोग बहुत परेशानी में होते हैं, उन्हें तभी या तो कविता लिखनी अच्छा लगता है या तो ऐसी कुछ अनोखे काम कर जाते हैं उन लोग जो हर कोई नहीं कर पाता है। और इस तरह से मेरीना बड़ा हुआ। फिर वो ललित कला में शामिल हो गए। तभी से उन्होंने मंच पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनका काम सिर्फ मंच पर उठना और चुपचाप खड़े रहना और बिना किसी शारीरिक हाव भाव के अपने चेहरे पर उदास छवि बनाना था। इस तरह उन्होंने अपने जीवन में कई प्रदर्शन किया है। हमारे पास कुछ और दिलचस्प प्रदर्शनों के साथ एक और वीडियो है। आपको इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उस वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वो मेरीना का जो और भी दिलचस्प परफॉर्मेंस है उसका स्टोरी सुन सकते हैं। मेरीना अब्रामोविक की तरह एक लड़के ने भी ऐसा ही कुछ कोशिश किया था, जिसका क्या हाल हुआ वो भी आप देख सकते हैं। उसका भी एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, वो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये वीडियो के लास्ट में दोनों वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो प्रदर्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और रोमांचक प्रदर्शनों में से एक है, जो 1974 में इटली में किया गया था। ये एक शानदार प्रदर्शन था। उस प्रदर्शन के सामने कुछ फोटोग्राफर थे और कुछ लोग थे, वो दर्शक थे। मेरीना का काम उस जगह पर 6 घंटे तक खड़ा रहना था और उनके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। इस कागज़ के टुकड़े पर यह लिखा गया कि इस हाल में जितने लोग हैं वो 6 घंटे में मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं और इसके लिए जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी अपनी होगी। मेरीना के सामने एक टेबल रखा गया था जिसमें एक गुलाब, पंख, अंगूर, शहद, कॉन्डोम, पाउडर, एक बांसुरी, एक गोली और एक बंदूक थी। इन वस्तुओं के द्वारा मेरीना को कुछ भी कर सकते हैं। जब एक लड़की 6 घंटे के लिए सभी को अनुमति दे रहे हैं कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो आओ
क्या किया, अब हम उसके बारे में ही बात करेंगे। मेरीना ने सबको बताया कि मैं आपके सामने एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट के रूप में खड़ी हूँ, और मुझे लगता है कि आपके सामने एक छोटी सी वस्तु को आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं एक इंसान हूँ, और जो भी तुम करते हो वो मेरी जिम्मेदारी है। और समय रात के 8 बजे से रात के 2 बजे तक रखा गया था। जब 8 बज गए थे तब मरीना ने उठकर खड़ी हो गई। जब मरीना पहली बार खड़ी थी तो कुछ लोग उसके चारों ओर घूम रहे थे, कुछ लोग उनको धक्का भी दे रहे थे और सोच रहे थे कि अब इसके साथ क्या किया जाए। और कुछ समय बाद कुछ लड़कियां उनको उठा के जमीन पर फेंक दिया, और फिर सब लोग टेबल की तरफ आने लगे, और उन टेबल में रखा गया जो भी सामान था उनको लेके उन लोग अपनी मनचाही जो भी करना चाहते हैं मरीना के साथ वो करने लगे। शुरुआत में कुछ लोग मरीना को एक कुर्सी पर बैठा दिया और बांध दिया। कुछ देर बाद एक आदमी मरीना के गले पर ब्लेड चला दिया। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने उसको बंदूक थमा के बोला कि लो और अपनी ऊपर चला दो। और थोड़ी देर बाद एक आदमी ने मरीना का कपड़े उतर दिया, और एक आदमी उसका सारी शरीर पे हाथ मलाने लगी। उसका जो भी अंग है, जो भी हिडन पार्ट्स है, सब कुछ टच करने लगा। कुछ लोग तो उनके साथ सेक्स भी किया था। इतने काम करने के बाद भी लोगों के मन नहीं भरा था। फिर कुछ लोगों ने उस पर कांटे फेंकने शुरू कर दिया, और ये प्रदर्शन जारी रहा। ऐसे करते करते 2 बज गए थे तब परफॉर्मेंस खत्म हुआ। 6 घंटे के लिए लोगों ने उसके साथ वो सब कुछ किया जो उनके साथ कर सकते थे, और जो भी संभव था उन्होंने जहाँ तक संभव हो सके जाने की कोशिश की। और 6 घंटे के बाद मरीना चलने लगा, और जितने भी लोग उस हॉल पर था जो थोड़ी देर पहले मरीना के साथ ऐसा हैवानियत भरा काम कर रहा था उन लोग डर गए। जो लोग थोड़ी देर पहले उनके शरीर पर थूक दिया था, शरीर पर पानी फेंक दिया था, शरीर पर ब्लेड चला दिया था, जिन्होंने उसके साथ ऐसे सब किया था, जिन्होंने उसके साथ ये सब किया है, मरीना एक एक करके उन लोगों के सामने खड़ी हो गई और उनके आंखें में आंखें डाल के देखने लगी। और जो अत्याचार उन्होंने इतने लंबे समय तक किया था मरीना के साथ, उन लोग अभी मरीना के आंख में भी आंख नहीं डाल सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी मरीना को देखने की स्थिति में नहीं था। मरीना ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से सभी के मन के भीतर छिपे एक राक्षस को दिखा दिया। मरीना ने उन्हें दिखा दिया कि आप अपने मन के भीतर कितना बड़ा राक्षस पालते हो। मरीना ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से लोगों में छिपे सभी बुरे कामों के विचारों को सामने लाया। जब लोग आपको असहाय पाते हैं तो वो आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई आदमी कमजोर है, जब उनके पास लड़ने की क्षमता नहीं है,
तो लोग उसे वस्तु के रूप में सोचने लगते हैं, उसे सताने लगते हैं। मजा आता है लोगों को उसे तड़पाकर। वे हम जैसे सभी इंसान हैं, हम राक्षस हैं जिन्होंने मरीना के साथ ये सब किया, क्योंकि हमारे सभी लोगों के बीच एक ऐसी जगह है जहां हम राक्षस पालते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कियों को इप्टिजिंग करना, उनके साथ बलात्कार करना, जानवर पर अत्याचार करना, किसी दुर्घटना की स्थिति पर उनका मदद करने के अलावा उनका वीडियो रिकॉर्डिंग करना। और ये हमारे भीतर छिपा हुआ वही राक्षस है, और ऐसा करने से मनुष्य उन राक्षस को संतुष्ट करते हैं। और यही कारण है कि राक्षस ने आपको मेरे थंबनेल के देखने के बाद इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर किया। थोड़े बुरे लगता है, लेकिन यही सच है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपके बीच छिपी राक्षस को बेनकाब करना था, और हमें मरीना की इस घटना से सीख लेना चाहिए कि कैसे हम इंसान के रूप में इस राक्षस को अपने भीतर मारकर इसे बदल सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और यदि आपको लगता है कि आप अपने परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो शेयर करने से थोड़ा सा भी फर्क ज़रूर आएगा इस समाज में। और अगर आपको ऐसी सभी जानकारी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसके बगल में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ब्राइट पिक्स हिंदी चैनल के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ मज़ेदार रोमांचकर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।